1 lakh kg, इंजन इज मूविंग अप अ स्लोप ऑफ ग्रेडियंट 5 डिग्री. ग्रेडियंट स्लोप होती है, तो ग्रेडियंट 5 डिग्री का मतलब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 5 डिग्री है, इसका मतलब ये होता है. तो ग्रेडियंट का मतलब ये थीटा 5 डिग्री है. आगे, एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर आवर, पर सेकंड नहीं है, 100 मीटर पर आवर, इसको पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो एक इंजन जिसका मास गिवन है और वो ऊपर जा रहा है किसी स्लोप पे और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, ठीक. म्यू गिवन है, फ्रिक्शन भी गिवन है 0.1. एफिशिएंसी 4% है इंजन की. तो एफिशिएंसी क्या होती है मालूम है? एफिशिएंसी, एक मशीन इनपुट बिजली से एनर्जी, बिजली से चलती है और एनर्जी लेती है 100 जूल, और उसमें से 96 जूल कर देती है खराब, गर्मी गुर्मी और हीटिंग इफेक्ट हो जाते हैं, और 4% का काम करती है. मतलब बहुत पुअर पुअर मशीन है. मतलब 100 की एनर्जी लेती है, काम लेती 100 है और काम 4, राइट. तो इनपुट इनपुट 100 है, आउटपुट 4 है. तो एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट ऐसे भी लिखा जाता है, आप लिख लें प्लीज अपने फॉर्मूला बुकलेट में. एफिशिएंसी का ये सिंबल होता है, इस सिंबल का नाम होता है ईटा. एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो या तो होगा आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी, ठीक, इनटू 100, या फिर होगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, या फिर होगा आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट एनर्जी इनटू 100. कुछ भी लगा दो यार, क्या फर्क पड़ता है. ये जूल है तो ये जूल है, ये वॉट्स है तो ये वॉट्स है, ये जूल है तो ये जूल है. अब कोई मशीन है, मशीन के ऊपर वर्क डन किया नहीं जाता. मशीन तो हमसे एनर्जी लेती है इनपुट, और बाहर क्या देती है? वर्क डन करके देती है. तो एफिशिएंसी है. हाँ, अगर कोई मशीन एनर्जी ले रही, पावर ले रही है और दे भी रही है, तो फिर पावर बाय पावर कर देंगे. और अगर कोई मशीन इनपुट एनर्जी ले रही है, आउटपुट भी एनर्जी दे रही है, तो फिर एफिशिएंसी हो जाएगी. फर्क कुछ नहीं पड़ता, कोई भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा. अब इंजन के केस में क्या हो रहा है? इंजन एनर्जी ले रहा है, हमसे एनर्जी ले रहा है. वो कैसे ले रहा है? इंजन अपने आप कैसे चलने लगे, मतलब इंजन का मन चला, इंजन चलना शुरू हो गया. इंजन में कोई फ्यूल तो डालोगे, और इस केस में फ्यूल क्या है? कोल. इस केस में गिवन है जो फ्यूल है वो कह रहा है इसमें क्या है? कोल. तो कोयला डलेगा. फॉर कन्वर्टिंग हीट इन टू वर्क, फाइंड अमाउंट ऑफ कोल द इंजन हैज टू बर्न इन 1 आवर. वो कह रहा है कोयला कितना लगेगा 1 घंटा इंजन ऊपर चढ़ता रहे. अब देखो इनपुट एनर्जी यहां पर कौन है? कोयला जलेगा, एनर्जी देगा, वो इनपुट एनर्जी है. इंजन क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ रहा है. ऊपर चढ़ने का मतलब वर्क डन कर रहा है. तो आउटपुट में वो एनर्जी नहीं दे रहा हमें, आउटपुट में काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वर्क डन कर रहा है. तो यहां पर इनपुट में एनर्जी है, आउटपुट में वर्क डन है. मान लो इनपुट एनर्जी 100 जूल है, कोयले से मिली 100 जूल. ये इंजन 4% एफिशिएंट है, 96% ऑफ एनर्जी कोयले की खराब कर देगा और सिर्फ 4 जूल का वर्क डन करेगा. इतना सा के चलेगा, लेगा ज्यादा, करेगा काम कम. ये ऐसा इंजन है, ठीक. वो पूछ रहे बताओ कितना कोयला डालना पड़ेगा अगर इंजन को 1 घंटा ऊपर चढ़ाना है. और ये भी गिवन है कि 1 kg ऑफ कोल जब बर्न होता है तो 50,000 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. अब प्रॉब्लम बताए कि इस क्वेश्चन में क्या है? सामान बहुत इकट्ठा हो गया, पावर भी दे रहा है, एफिशिएंसी भी दे रहा है, फ्रिक्शन भी दे रहा है, फोर्स भी दे रहा है, वेलोसिटी भी दे रहा है, कोयला भी पूछ रहा है कितना लगेगा, फिर इसकी एनर्जी भी, ओह बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है. तो इसलिए ये क्वेश्चन वो टाउन वाली सेम प्रॉब्लम है, इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, पर इसका सोल्यूशन ना मुश्किल नहीं है. जब भी एफिशिएंसी की बात होगी ना, एफिशिएंसी की कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप सबसे पहले एफिशिएंसी का डेफिनेशन लिखना, आपको आधा आंसर वहीं मिल जाएगा. तो चलते हैं एफिशिएंसी की डेफिनेशन पे. इसमें एफिशिएंसी है क्या? इंजन ने कितना आउटपुट वर्क डन किया डिवाइडेड बाय इंजन ने कितनी इनपुट एनर्जी ली, कोयले से एनर्जी ली. तो ये डेफिनेशन क्लियर है, यहां तक क्लियर है. अब आउटपुट वर्क डन कितना किया? देखो आउटपुट वर्क डन कितनी देर में किया? 1 घंटे में किया, है ना. आउटपुट वर्क डन 1 घंटे में किया. अब इसको करने के लिए एक पॉइंट को समझते हैं और लिख भी लें चाहे फॉर्मूला रजिस्टर में. जो पावर होती है ना किसी भी मशीन की,
वो क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होती है. तो पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है. और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी. तो ये फॉर्मूला लिखा जाए पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी. अब फोर्स क्योंकि वेक्टर है, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है, और इनका प्रोडक्ट स्केलर है. तो पावर इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये नोट कर लें प्लीज. तो आज के बाद अगर आपको फोर्स गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, इंजन की या किसी मशीन की पावर. ठीक है, कोई डाउट इसमें, राइट. तो ये आपके पास वैल्यू आ गई. अब देखो मैं आउटपुट वर्क डन कैसे निकालूंगा. मुझे एक बात बताओ, जब ये इंजन ऊपर चढ़ रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूँ इसको ऊपर चढ़ाने के लिए. कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तो है नहीं. नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रही है, एम जी साइन थीटा, और नीचे की तरफ क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो मेरी फोर्स क्या होगी ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा. तो इस क्वेश्चन में एम जी कॉमन आ गया, एम पता है, जी पता है. देखो साइन 5 डिग्री पे क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, हो सकता है वो क्वेश्चन में 30 डिग्री 60 डिग्री कर दे. मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है 5 और 5, तो पुट करके आपके पास ये फोर्स आ गई. तो ये फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, फोर्स की वैल्यू इसके इक्वल आ गई. वेलोसिटी आपको गिवन है 100 मीटर पर आर, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, वेलोसिटी भी आ गई मीटर पर सेकंड में. तो अगर आप फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गई, वाट्स में पावर आ गई. अब आपको एनर्जी निकालनी है. अगर आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ गई या वर्क डन आ गया. तो पावर को एक घंटा इंजन चलना चाहिए, मल्टीप्लाई किया सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, इतने जूल का वर्क डन किया उस इंजन ने एक घंटे में. तो हमने फोर्स निकाल ली इंजन की, फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास पावर आ गई, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके उसका वर्क डन आ गया. क्लियर है यहाँ तक? तो ये वर्क डन इंजन का आ गया, यानी कि हमारे पास न्यूमिनेटर आ गया. एफिशिएंसी 4 हमें गिवन ही थी, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनपुट एनर्जी आ गई. इनपुट एनर्जी किसने दी, कोल ने दी. कोयला जला, इतनी एनर्जी जो है वो इंजन को मिली. अब कितना कोयला जला, हमें क्वेश्चन में एंड में गिवन है कि 50,000 जूल की एनर्जी बाहर निकलती है अगर 1 kg कोल बर्न होता है. और यूनिटरी मेथड से अगर ये 1 है तो इतना kg कोल है, और हमारे पास एनर्जी कितनी ले गया वो इंजन, इतनी एनर्जी कोल बर्न करके ले गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इतना कोल चलेगा. दिस इज द आंसर. पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया गया. दो बार करना पड़ेगा, घर जाके सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा समझ में.